हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरा हाई मेंटेनेंस रूटीन जो कि मुझे लो मेंटेनेंस रखता है। हालांकि मेंटेनेंस अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं, पर इसमें कुछ सिंपल चीजें हैं जो हम घर में ही करके अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं। एक्सटर्नल केयर से पहले आता है इंटरनल केयर, इसलिए रूटीन को मैंने स्मूदी पीने के साथ स्टार्ट किया है। इसे मैंने स्ट्रॉबेरी, डेट्स, बनाना और दही को ब्लेंड करके बनाया है। बहुत ही टेस्टी है। अब ये पीने के 20 मिनट्स बाद मैं दूसरे वाले घर में जाऊंगी। यहाँ से निकलने से पहले मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर ले रही हूँ, फिर थोड़ी देर में भाई मुझे वहाँ पे छोड़ देगा। बहुत ज्यादा धूप है, चल के जाने में हालत खराब होगी, इसलिए भाई के साथ स्कूटी पे जाऊंगी। यहाँ आने के बाद मैंने पहले तो साफ सफाई किया। अब शुरू करूंगी मैं सबसे पहले नेल्स से। नेल्स मैंने सोचा था कि बढ़िया शेप देकर के नेल पेंट अप्लाई करूंगी, पर पिछले कुछ 7-8 दिनों से ना मेरा एक नेल ब्रेक हो रखा था और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने शिफ्ट भी किया तो वो नेल पूरा मेरा टूट गया। और मेरा एक भी नेल छोटा हो तो मैं सबको कट कर देती हूँ, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो अभी इन्हें छोटा करने का टाइम आ गया है। कोई नहीं, थोड़ा दुख तो हो रहा है मुझे इन्हें कट करते हुए, पर ये फिर से ग्रो हो जाएंगे। इनको मैंने पूरा छोटा नहीं किया, जितना वो नेल ब्रेक हुआ था ना सबको मैंने उसी के बराबर ही कर दिया है। अब इस पे मैं व्हाइट कलर का नेल पेंट अप्लाई कर रही हूं तो छोटे नेल्स भी खूबसूरत हो जाएंगे। अब आईब्रोज और अपर लिप्स करूंगी, पर उससे पहले मैं व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए ये स्ट्रिप्स अप्लाई कर ले रही हूँ। जब तक थ्रेडिंग और शेव करूंगी तब तक इसको रिमूव करने का टाइम भी हो जाएगा। मैं पूरे फेस पे शेव या वैक्स वगैरह नहीं करती हूँ, हमेशा से ही मैं आईब्रोज, अपर लिप्स और थोड़ा बहुत फोरहेड ही करती आई हूँ। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम आईब्रोज ना पार्लर में करवाया था मेरे पोर्टफोलियो शूट के लिए। सोचा था मस्त लगूंगी, पर उन्होंने ऐसा शेप दिया ना कि मेरा पूरा फेस विलन जैसा हो गया था और वो पोर्टफोलियो फिर कहीं भेजने के लायक नहीं बची। भेजने के क्या, मुझे किसी को दिखाने के लायक नहीं लगती है वो। तो उस टाइम तो मैं अपने नॉर्मल पिक से काम चला लेती थी। आईब्रोज के मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं ना कि मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि कभी किसी स्पेशल ओकेजन पे ऐसे ट्राई मत करना कि चलो फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवा लूं। अच्छा हुआ तो तकलीफ नहीं होगी, पर अगर खराब हुआ ना तो किस्सा बन जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम आईब्रोज कब करवाए थे और आपका क्या एक्सपीरियंस था? अपर लिप्स और आईब्रोज मैं दोनों थ्रेडिंग करती थी, और आईब्रोज तो मैं अभी भी थ्रेडिंग करती हूँ, पर पिछले 3-4 महीने से ना मैंने अपर लिप्स को थ्रेडिंग करना बंद कर दिया। मतलब जब से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वैक्सिंग थ्रेडिंग से कोल्ड सोर होता है तब से मैंने शेव करना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड सोर ऐसे एलर्जी है जो लिप्स के अराउंड होती है, तो अगर आप में से किसी को भी होती है तो आप लोग भी शेव करो, क्योंकि थ्रेडिंग और वैक्सिंग में फ्रिक्शन होता है और इससे स्किन जो है ना इरिटेट होती है, तो नेक्स्ट डे लिप्स पे ऐसे एलर्जी दिखी जाती है। पहले भी ऐसा होता था पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया कि मुझे इसकी वजह से हो रहा है। तो जो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि मुझे इसकी वजह से कोल्ड सोर हो रहा है वो सब चीज़ें मैंने बंद कर दी। अब यही एक चीज़ थी जो मैंने नहीं बंद किया था। जब से मैंने ये बंद किया है तब से मुझे ऐसे रेगुलर कोल्ड सोर मेरे लिप्स के अराउंड नहीं दिखता है, जब तक कुछ और रीज़न ना हो। ये रीज़न की वजह से तो अब नहीं होता है। चलो बातों बातों में तो ये सब हो गया, अब इसे भी निकाल लेते हैं। स्ट्रिप से तो नोज़ क्लीन हो ही जाते हैं, पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं टंग क्लीनर यूज़ करती हूँ। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, वो सेपरेट टंग क्लीनर होता है। मैंने एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था और उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, तो तब से मैं वही यूज़ करती आई हूँ। आप में से किस किस ने टंग क्लीनर से ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स को रिमूव किया मुझे ज़रूर बताना। अब ये जो थ्रेडिंग की वजह से रैशेज आए हैं ना, ये तो आराम से 1-2 घंटे में जाएंगे। ये शीट मास्क अप्लाई करूंगी अब मैं 15 मिनट्स के लिए। ये सब करने के बाद एलोवेरा जेल, आईज या ये शीट मास्क लगाने का ना अलग ही मजा है। अब मैं यहाँ से दूसरे वाले रूम पे जाऊंगी जहाँ पे मैं सुबह सुबह थी, और आज शायद हम लोग को डीमार्ट भी जाना है, तो वहाँ जाने से पहले मैं ये डॉक्टर शेड्स की सनस्क्रीन री अप्लाई कर लूँ। मॉर्निंग में यहाँ आते टाइम मैंने यही अप्लाई किया हुआ था। ऐसा लाइट वेट सनस्क्रीन हो तो कोई रीएप्लीकेशन कैसे भूल सकता है। यह है डॉक्टर शेड्स का केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन। इसमें SPF 50, PA प्लस 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 एंड प्लस है, जो कि हार्मफुल यूवी रे से एंड ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। डार्क स्पॉट्स एंड ब्लूमिशेस रिड्यूस करके इवन स्किन टोन बनाएगा। वाटर बेस्ड लोशन कंसिस्टेंसी है इसकी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बिना व्हाइट कास्ट और स्टिकी फील के। सभी स्किन टाइप्स के लिए सुइटेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो 20% ऑफ के लिए मेरा कोड मिष्टी पांडे 20 यूज करना मत भूलना। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
ये वाले घर पे आने के बाद हम लोग डीमार्ट भी गए थे और वहां से भी अब वापस आ चुके हैं। वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं ये गाजर का हलवा खाने के बाद वापस रूम पे जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम है और इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी, वैक्सिंग वगैरह मुझे करना है। वैक्सिंग मुझे रात में ही सही लगता है, आराम से जितना टाइम लेकर के भी मैं करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेग्स, हैंड्स एंड बिकनी हेयर रिमूव करूंगी अभी मैं। वैक्सिंग करने में 1 to 2 hours लगते हैं तो मैं जल्दी नहीं करती हूँ ये। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, फाइनली आज मैंने इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लिया है और अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मेरे लेग्स के हेयर इतने लॉन्ग हो गए हैं ना कि वो मेरे भाई के पैर के हेयर को भी टक्कर दे रहे हैं। मुझे खुद को ही इतने दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, अब सोचा इससे पहले कोई और मुझे एम्बेरस फील करवाए इसके लिए मैं टाइम निकाल ही लूँ और ये सब कर ही लूँ। बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए मुझे शेविंग उतना पसंद नहीं है, पर हाँ मजबूरी में तो वही करना पड़ता है। वैक्स करने से 1 महीने की फुर्सत हो जाती है, वरना शेविंग में तो 10-15 दिन में ही मतलब वापस से शेव करना पड़ जाता है, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। अंडर आर्म्स में इतना टाइम नहीं लगता है तो मैं वो टाइम टू टाइम रिमूव करती रहती हूँ। हैंड्स, लेग्स एंड बिकनी के लिए मैं मंथ में 1 बार ही करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो ही मैं करती हूँ। और वैक्सिंग से मेरे बॉडी पे भी रैशेस होते हैं पर वो 1 hour में ठीक हो जाता है, और जो लिप्स पे कोल्ड सोर होता है वो 1 hour में नहीं ठीक होता है, उसको हील होने में कम से कम 7 to 8 दिन लगते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वैक्स करना और थ्रेड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वैक्सिंग हो गई, आई थिंक कैमरे पे दिख रहा होगा ये पूरा रेड रेड हो गया है, इसके लिए मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। इससे थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगता है और स्किन भी काम होती है, तो ये मुझे अप्लाई करना अच्छा लगता है। हैंड्स और लेग्स पे नहीं, बाकी शोल्डर वगैरह पे मैं ड्राई ब्रशिंग कर ले रही हूँ, ऐसे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे। जब भी मैं वैक्स करती हूँ तो मैं ड्राई ब्रशिंग हैंड्स एंड लेग्स पे नहीं करती हूँ क्योंकि वैक्सिंग से ऑलरेडी मुझे रैशेज हुए होते हैं, ये करने से स्किन इरिटेट होगी, इसलिए मैं ये बैक पे और शोल्डर वगैरह पे ही कर रही हूँ। शावर के टाइम फुट स्क्रब तो मैं डेली करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे गंदे फीट पसंद नहीं है, इससे क्लीन हो जाते हैं। और सुबह मैंने सिर्फ हैंड्स के नेल्स कट किए थे तो अभी मैं ये भी कट कर ले रही हूँ, ये भी लॉन्ग हो गए थे, लॉन्ग होने की वजह से बीच से ब्रेक हो रखा है। वैसे बहुत थिक नेल्स हैं मेरे, ये इजिली ब्रेक नहीं होते हैं, पर शिफ्टिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे जोर से टक्कर लगी है तभी ये ब्रेक हुआ है। अब ये मैं कॉफ़ी, शुगर एंड कोकोनट ऑयल स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ, ये भी मैं सिर्फ फुट पे ही करने वाली हूँ, बॉडी पे नहीं। पहले मैं वैक्सिंग और शेविंग के बाद भी स्क्रब बॉडी पे अप्लाई कर लेती थी, अभी रिसेंटली मैंने ऐसे स्टार्ट किया है कि मैं जब भी वैक्सिंग और शेविंग करना होता है तो अगर मुझे स्क्रब करना होता है तो मैं पहले कर लेती हूँ, बाद में मैं नहीं करती हूँ। ये ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट एंड पेन रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ये, साथ ही हार्ड स्किन फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करेगा और फीट के स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करने के बाद मैं नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे वार्म डैम क्लोथ से आउटर ईयर्स को भी क्लीन कर ले रही हूँ, ये सेफेस्ट वे है ईयर्स को अच्छे से क्लीन करने का, इससे एक्सेस ईयर वैक्स बिना डैमेज के रिस्क से रिमूव हो जाते हैं। ये मैं डेली नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 to 3 times ही करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे टैन रिमूव करने के लिए बेसन, हल्दी और दही का मास्क अप्लाई करूँगी। ये टैन रिमूव करने के लिए बेस्ट और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिक्स करके ये जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं, तो वीक में 2 to 3 times इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
बेसन टैन रिमूव एंड स्किन टोन लाइटन करने में हेल्प करता है। एक्सेस ऑयल रिड्यूस और पिंपल को भी प्रिवेंट करता है। हल्दी मुझे फेस पे अप्लाई करना उतना पसंद नहीं है, मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि ये एजिंग साइंस को डीले एंड पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है और अनइवन स्किन टोन एंड डलनेस को रिड्यूस करने में भी बेनिफिशियल है। तो वीक में ऐसे मास्क वगैरह में इंक्लूड करके इसे लगा लेना चाहिए। और दही स्किन मॉइस्चराइज एंड एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा, जिससे स्किन सॉफ्ट एंड रेडियंट होगी। स्किन डिस्कलरेशन एंड एज स्पॉट्स को भी करेक्ट करता है ये, और एक्ने पिंपल्स को भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। तो मैंने ये फेस एंड हैंड्स पे अपने अप्लाई कर लिया है। इसे नेक लेग्स और नहाने के टाइम बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद इसे रखना है और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ये सब मास्क मैं रात में अप्लाई करती हूँ या दिन में मुझे कहीं ना जाना हो तो मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उसी टाइम मुझे ये अप्लाई करना अच्छा लगता है। अब मैं ये ऑयल पहले फीट पे अप्लाई करके मसाज करूंगी, इसके बाद मैं अपने लेग्स एंड हैंड्स पे अप्लाई करूंगी। शावर से पहले जब भी मैं बॉडी ऑयलिंग करती हूँ तो अच्छे से मसाज करती हूँ, पर वैक्सिंग किया हो तो इसके बाद मैं नॉर्मली मॉइस्चराइज करने के लिए अप्लाई करती हूँ। वैसे तो मैं DIY आई मास्क बनाती हूँ, वो आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, तो आप वो बना के अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉफ़ी आई मास्क था तो ये वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बनाया नहीं, और अभी मैं यही अप्लाई करूँगी। ये मैं बाकी फैमिली में भी सबको अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ, इससे बहुत रिलैक्स फील होता है और ये डार्क सर्कल्स, पफिनेस एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और लिप्स पे पिगमेंटेशन रिड्यूस एंड हाइड्रेट करने के लिए मैं ये लिप मास्क अप्लाई करूंगी। मैंने ये आप लोगों को मेरे रिसेंटली किसी एक शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखाया था। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। जब भी आपके घर में रोज आए तो उसके पेटल्स को मिल्क में ब्लेंड कर लो और थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसे कॉटन पैड में डिप करके रख दो। कॉटन पैड को आप नॉर्मली भी डिप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसे अपने लिप्स के शेप पे कट करके भी डिप कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा अपने लिप्स के शेप में कट करती हूँ और फिर डिप कर लेती हूँ उसमें। कॉटन पैड सोक होने के बाद मैं ये लिप्स पे 10-15 मिनट्स के लिए अप्लाई करती हूँ। ये मैं वीक में 2-3 बार अप्लाई करना पसंद करती हूँ, इससे लिप्स हाइड्रेट और डार्क लिप्स को लाइटन करने में भी हेल्प मिलती है। अब ये रिमूव करने के बाद सबसे रिलैक्सिंग काम, हेड मसाज। हेयर ऑयलिंग करके मैंने 2-3 दिन पहले ही हेयर वॉश किया था, तो आज मैंने हेयर वॉश वगैरह नहीं किया, कोई मास्क भी नहीं लगाया। आप चाहें तो मास्क लगा सकते हैं, ऑयलिंग करके मसाज कर सकते हैं, तो मुझे आज हेयर वॉश वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली कोम करूंगी और फिर मसाज करूंगी। इससे रिलैक्स तो फील होगा ही, पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी और हेयर फॉल रिड्यूस, हेयर ग्रोथ बूस्ट करने के लिए भी ये इफेक्टिव तरीका है। ऐसे जब भी मुझे टायर्ड लगता है तो मैं इस तरीके से मसाज कर लेती हूँ। बस यहाँ ये रूटीन होता है कंप्लीट। आप लोग भी ट्राई करो, इससे बहुत ही रिलैक्स और पैम्पर्ड फील होगा। इनके अलावा आपको क्या क्या सेल्फ केयर करना पसंद है जो आप घर में कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।